अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं फिर हाजिर हूँ ज़िंदगी की कौशिक हज़ार लाइफ रेम्बो के साथ। तो आज जो मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करने वाली, बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। तो आप ये जो देख रहे हैं तो आप देख हैरान हो रहे होंगे कि क्या चीज़ है। तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये है क्रीम। ये क्रीम जो है मतलब मलाई, ये हम जो दूध उबालते हैं और फिर जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, जिसे मलाई भी कहते हैं, तो उसे हम निकाल के साइड में कर देते हैं। फिर उसे हम किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है, पहले हम ये जो जमा करते हैं, मलाई निकालते हैं, तो मलाई को किसी एक बर्तन में जमा करते रहते हैं। जब जाहिर सी बात है आपको मालूम है, फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती। सॉरी गाइस, आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है और आज भी लोग बनाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास एक इतवार का दिन होता है, संडे इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इस किस्म के तमाम काम जो है मैं इतवार को ही करती हूँ, तो गला आज थोड़ा सा ख़राब है, तो वॉइस मेरी मैनेज कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बेहतरी आए। तो ये है कि ये तो देख सकते हैं गाइस, मैंने जो है ये इन्हें शॉपर से रिमूव कर दिया, और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह अच्छे खासे मकदार में है। तो वैसे तो गाइस, इसका और भी एक तरीका है, लेकिन आपको ये डिज़ाइन में रखना है कि मलाई में सिर्फ मलाई हो और इसमें दूध वगैरह का ज़्यादा ना इस्तेमाल हो, क्योंकि जो हम घी निकालते हैं, अभी हम निकालने वाले हैं देसी घी, तो जो देसी घी निकालते हैं तो उसमें जो है अगर प्योर मलाई होगी तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा जल्दी जो है घी निकलेगा। अगर इसमें दूध और इसका इस्तेमाल होगा, निकल तो उसका भी जाएगा, लेकिन जो है थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा। तो ये आपने देख लिया। अच्छा गाइस, एक बात बतानी थी कि वैसे इसे एक तरीका जो है कि ये क्रीम का जो है मक्खन बनाया जाता है, और मक्खन से जो है फिर जो है घी बनाया जाता है। लेकिन चूंकि मैं हर वीडियो में एक बात कहती हूँ कि लोगों के पास टाइम बहुत कम है और लोग जो चाहते हैं आसान से आसान तर और आसानियाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत देसी घी निकालना, यानी कि प्योर घी का आसान तरीका। ये जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो है मलाई निकाली है, और इसके बाद अब मैं कुछ नहीं करने वाली। अब जस्ट इसे मैं जो है चूल्हे पे लेके जाऊंगी और उससे जो है आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। बस यहाँ तक इतना है कि ये निकाली है। तो ये जो मलाई है, ये भी मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की, क्योंकि उनके यहाँ पर कुछ गैस वगैरह का इशू है आजकल, जैसे कि हर इलाके में है, उनके उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर दी। तो आप सोचिए, ये ना सोचिए कि इतने सारा मलाई निकाल के मैं अकेली रख लूँगी, इसमें से मैं किसी को भेजूँगी भी तोहफे के तौर पर। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके पहले तैयार करते हैं, इसके बाद मैं बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। पहले इसे मैं लेके जाती हूँ चूल्हे की तरफ। गैस की देखिए, ये मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो रखी है, ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम है। और अब हमें जस्ट इस पर ये जो है क्रीम है, ये इसके ऊपर। तो गाइस, ये क्रीम मैंने चूल्हे पर रख दी, फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, और ये जो है आपको इस तरह इस पर चम्मच लाजमी नहीं रखना है, कि ये आस्ता आस्ता आप जो है इसमें आपको चिपक के नहीं खड़े होना, कि आपको बिल्कुल चम्मच चला ये आप छोड़ देंगे। जैसे दूध बॉयल्ड होता है, तो ये क्रीम बॉयल्ड होगी, और जब ये क्रीम बॉयल होगी तो इसके आगे मैं बताऊंगी जब ये बॉयल होने पर। लेकिन फ्लेम आपको जो है बिल्कुल लो रखनी है। देखिए, आप फ्लेम थोड़ी सी हाई करेंगे तो जल्दी काम के चक्कर में इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट ये हो गए कि इसके जलने का भी खतरा है, और जब जल जाएगी जो क्रीम जल जाएगी, और जब इसमें से आप जो घी निकालने वाले हैं उसमें की जली हुई स्मेल आएगी, और आपको कोई ख़ास जायका नहीं आएगा और आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये ज़रा पेशेंस है आपको काम करना है। और ये देखिए, अभी ये लो में भी ये देखो पिघलना शुरू हो गई, लेकिन आपको ये जो ये है कि ये पहले से पिघला के रखनी है। ये हम डिप में जमा करते हैं, लेकिन मैंने रात को ही ये निकाल ली थी,
और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अभी जो है मेल्ट हुई हुई है। तो फ्रिज में रखी हुई जो है वो प्लीज़ आप ना रखिए, वो तो जलेगी ही जलेगी। तो पहले से आपको पिघला के रख लेना, कोई इस तरह का आपको शेड्यूल बनाना है कि अगर जमी हुई है तो ये रात से आपको निकाल के रख दे ताकि सुबह तक मेल्ट हो। और जो ये अगर आपको जिसमें आपको ये पकाना है तो वो बर्तन भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि जो है, क्योंकि इसमें छींटे भी उड़ते हैं, तो अगर ये छोटा होगा छींटे उड़ेंगे, आप पास पास होगे तो आपको मसला होगा, तो बर्तन बड़ा होगा उसके छींटे भी होंगे तो वो इसी में जाते रहेंगे। तो खैर वीडियो को शॉर्ट ही मुझे बनाना है तो ये जो है अब हम छोड़ देंगे, बस चलते फिरते अपने घर का काम भी करते रहेंगे। और मेरे पास तो टाइम भी वैसे बहुत कम है, आज मुझे शादी में भी जाना है और मेरे कपड़ों का भी ढेर पड़ा है, वो भी मैं धो रही हूँ। तो ये मैंने चूल्हे पे रख दिया, बस अब जस्ट आते जाते मैं इसमें जो है ये जो चम्मच है ये घुमाती रहूँगी। चलें फिर अब थोड़ी देर बाद जब ये इसकी फॉर्म चेंज होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए आप, ये जो मैंने क्रीम रखी थी वो अब इस फॉर्म में आ गई है, बिल्कुल ये जो है कर पिघल गई है। अब हमें बस इसमें एक चीज़ का ख्याल है कि चलते फिरते चलते फिरते आपको मैं चम्मच घुमाना है, बस इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और ये देखिए ये इस फॉर्म में आ चुकी है, अब थोड़ा आपको वेट करना है, आगे मैं कंटिन्यू रखूँगी। देख सकते हैं आप कि ये जो क्रीम है वो इस फॉर्म में आ रही है और ये आस्ता आस्ता आस्ता, बस आपको इस चीज़ का खास रखना है कि ये जो है जले, बस इसमें इसी तरह आप चलते फिरते फ्लेम इतनी स्लो रखें। अगर आप पास खड़े होकर इसे टाइम दे सकते हैं तो फिर आप बेशक फ्लेम तेज कर लें, और अगर आप टाइम नहीं दे सकते, आप और काम है, जैसे मुझे भी और काम है और मैंने इसकी फ्लेम बहुत स्लो रखी है, बस ये आपका आप ये जो है स्लो फ्लेम पर ये इस फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है, हमें अभी काफ़ी टाइम और लगेगा, तो ये तैयार नहीं है, मज़ीद तैयार होगा। तो ये देखिए ये अभी ये इसकी जो शक्ल है रेडिश रेडिश पर आ गई है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये जो है इसका प्रोसेस यही होगा कि हमें इसमें बस चलते फिरते या टाइम दे सकते हैं खड़े होकर चम्मच घूम, तो इसी तरह ये अभी तैयार होगा। अभी ये अपने सेकंड स्टेप पर आ चुका है गाइस, ये देखिए आप ये घी निकलना शुरू हो गया है और माशाल्लाह जला भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सरप्रस्ती और जिम्मेदारी से मैंने इसमें चम्मच घुमाया है। देखिए अभी थोड़ा सा और ये रेडी होगा, अभी ये थोड़ा सा और इसके बाद जो है हम इसे छानेंगे, अभी ये थोड़ा सा और पकेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ये जो लास्ट है ये है। बस इसमें मेन है कि आपको और ज़िम्मेदारी से जो है इसमें चम्मच घुमा, अगर ये आपने ज़िम्मेदारी से किया, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इसका खुशबू जायका सब ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा सा अभी इसे सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें अब घी कैसे निकालना, घी निकालने का मरहला करीब करीब है। ये आप देखिए घी निकल भी रहा है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। गाइस देख सकते हैं माशाल्लाह मुकम्मल ऑयल जो है निकल चुका है, घी निकल गया है, क्रीम जो है वो भी रेड रेड हो चुकी है, फिश पे आ चुकी है। तो अब मैं आपको निकालती हूँ कि अब ये निकालने का इसका तरीका क्या है, तो आगे मैं आप लेके चलती हूँ कि अब हम इस किस तरह निकालेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं क्रीम में से मुकम्मल घी निकल चुका है और अब मैं इसे निकालूंगी
और इसे निकालने का तरीका बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये बाल्टी है जो धो के मैंने साफ़ कर ली है। देखिए बाल्टी साफ़ होनी चाहिए, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी आपको पता है कि इससे जो है ऑयल घी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये बाल्टी है ये की है। और मैंने इसके ऊपर ये जो है एक प्लेट है ये रखी हुई है घर में, तो ये जो है नेट की प्लेट है जिसे छाननी भी कहते हैं। अब मैं आपको इसमें डाल के दिखाऊंगी। मेरे पास जो है कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो मुझे कैमरा बंद करने में मैं डालती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह होता है। ज़रा वेट करें, पहले मैं इसे जो है इसमें डाल के छानूंगी और फिर इसके बाद जो है आपको बताती हूँ कि ये किस तरह जो घी है वो क्रीम से अलग-अलग होगा। तो वेट करें ज़रा, मैं करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये टोटल जो है मैंने ये साइड पर कर दिया है, और ये जो है जो क्रीम है, जो क्रीम है वो इस कंडीशन में आ गई है, और ये जो है घी है हमारा। ये देखिए माशाल्लाह ये घी हमने मुकम्मल निकाल लिया है, बिल्कुल माशाल्लाह साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन। अब बस इसे जो है ये मोर देन जो होगा 1 किलो के लगभग होगा, और जाहिर सी बात है आपको मालूम है मार्केट में ये बहुत कॉस्टली है। और ये जो है अब ज़रा मैं इस पर रखूँगी और थोड़ी सी और मेहनत करूँगी मैं इस पर, ये थोड़ा सा मैं इसको प्रेस करूँगी और जो इसमें थोड़ा बहुत और ऑयल होगा वो भी जो है निकल जाएगा, और फिर मैं इससे जो है इस तरफ डाल दूँगी और बाकी जो ये बचा हुआ है वो फिर इसमें डाल कर प्रेस करूँगी, इसमें से भी निकाल लूँगी। तो ये 5 मिनट का ये प्रोसेस है, तो इसके बाद मैं जो है मज़ीद आपको बाद में जो है दिखाती हूँ कि किस कंडीशन में होता है। अब वेट करिए, आप देख सकते हैं आप गैस ये मुकम्मल तौर पर जो है मैंने खाली कर दिया, और इसमें ये जो पहले था ये मैंने अच्छी तरह ये देखिए इसे प्रेस कर करके इसमें से पूरा जो है मैंने घी निकाल लिया, और मज़ेद ये है। और ये हमारा घी तैयार है माशाल्लाह, बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। चूँकि हम पंजाबी है और हमारे घर में देसी घी का इस्तेमाल है, हम ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पराठे अंडा फ्राई हलवा वगैरह जो है तो उसके लिए प्योर घी को अहमियत दी जाती है। तो ये अब तो खैर जो दूध है इस कदर कॉस्टली और महंगा हो गया है कि ये थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन चूँकि ये मेरी दोस्त ने दिया तो थोड़ी सी मेहनत हुई, लेकिन माशाल्लाह घी हो गया। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताने वाली हूँ कि अब ये जो ये बच गया है ये जो हमारी क्रीम है वो इस फॉर्म में आ गई, तो ये भी ज़ाया नहीं होती। तो एक ये सीक्रेट है कि मेरे हस्बैंड जो है उन्हें जो है हलवे मीठे वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसे जो है रख लेती हूँ और इसमें चीनी डालकर मैं जो है इसका हलवा बना देती हूँ। इसमें चीनी देखिए मैंने बिल्कुल इसमें प्रेस करके, आप देखें बिल्कुल प्रेस करके इसमें मैंने घी बिल्कुल निकाल दिया है। अब ये इसमें से घी निकल चुका है, और ये देखें इस तरह जैसे ये है ये प्रेस करके इस पर भी। तो अब मैं आगे दिखाती हूँ कि अब मैं और इसके साथ अब क्या करूँगी। देखिए मैं दोबारा इसे जो चूल्हे पे ले आई हूँ, ये भी थोड़ा लो फ्लेम पे ही होगा तो इसकी कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी फ्लेम में तेज़ करती हूँ, ये थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ चीनी, थोड़ी सी ज़्यादा डाली, ये मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली और थोड़ी सी डालनी है, थोड़ी सी शक्कर डाली। अब आप देखिए मैं इसे जो है मेरे हस्बैंड को पता नहीं होता ये क्या है,
तो मैं जब ये बना के रखती हूँ और वो कभी मीठे क्रीम से कहते तो मैं ये थोड़ा सा गर्म करके पूछते ये किस चीज़ का बना हुआ है, तो मैं ये कहती थी कि जो दूध है ना वो आज ख़राब हो गया साहब, तो मैंने उसकी जो है ये मिठाई बनाई, तो वो बड़े चौक से खा लेती हूँ। तो ये मैं कभी कभार उनके साथ ये चिटिंग करती हूँ और उन्हें ये मीठा दे देती हूँ। मैं भी खा लेती, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, इतना नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है। तो ये मैं बनाकर, अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल सकती थी, अब वो इतना ड्राई फ्रूट को इतना जो है पसंद नहीं करते, तो सादा सादा या तो सादा हलवा बनवाते हैं या सादा सवैया। तो ये हलवा भी मैं एक तरह से बना कर फ्रेश कर देती हूँ, जब कभी मूड होता है तो ये मैं चटिंग करती हूँ और गर्म करके उनको दे देती हूँ, और वो बहुत शौक से खा लेते हैं। ये आधा मैंने मीठा करके मैंने रख लिया, ये देखें बिल्कुल, आप इसे किसी बाउल वगैरह में निकाल के रख लें और ये रेडी है माशाल्लाह। ये देखिए ये भी रेडी हो गया। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो आप अपने चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनली गाइस ये हमारा प्योर घी भी तैयार है, और ये मैंने थोड़ा सा हलवा जो है ये भी जो है भून के रख लिया है, तो ये मैं रखूँगी। ये जो है मेरी मौसी है, उनकी वालदा ज़ईफ़ है, उन्हें दे दूँगी, तो वो खुद अपने जो उन्हें मिठाई बना के खानी होगी खा लेंगे। माशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत है, आप भी इसी तरह मलाई जमा करें, क्रीम जमा करें और ये निकालें, ये माशाल्लाह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और आई होप कि आज की रेसिपी आपको स्पेशल मेरी पसंद आई होगी, और आप मेरे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आज की रेसिपी के बारे में आपकी क्या राय है। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।